हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी का लेसन नंबर 17 हेरिटेज आर कल्चर एंड ट्रेडिशंस पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांस एंड म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल्स। इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के हमारे क्या क्या कल्चर है, क्या क्या ट्रेडिशन है, अलग अलग स्टेट में क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, क्या पहनावा है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हेरिटेज मीन्स ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री that have existed for a long and that have great importance of a country। कहते हैं जो हेरिटेज है, धरोहर जिसको बोला जाता है, वो हमारे देश का कल्चर है, ट्रेडिशन है, क्या है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन हेरिटेज इज थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड, और जो भारत का जो कल्चर है, जो धरोहर है, वो बहुत सालों पुरानी है। आर लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांस एंड म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल आर द पार्ट ऑफ आर रिच हेरिटेज, और ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ड्रेसेस, पहनावा, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग और उनके जो घरों का जो आर्किटेक्चर है, सारा चीजें जो बनावट है किलों की, महलों की, वो सारी हमारी ये धरोहर है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस। इन इंडिया देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकोगनाइज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत है, यहाँ पे 22 लैंग्वेज है जो कि हमारे संविधान में बताई गई हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। दीज लैंग्वेज आर स्पोकन मोर देन 1600 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम लैंग्वेज, और ये अलग अलग जगह पे बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी बहुत अलग अलग है। हर भाषा में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे असम है, बंगाली है, तो बंगाली में बहुत टाइप होगा, डोगरी में बहुत टाइप होगा, गुजराती में भी बहुत टाइप है, उस तरीके से वो 1600 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम लैंग्वेज, मतलब सेम लैंग्वेज की जो डिफरेंट फॉर्म होती है उसको डायलेक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कहते हैं जो हिंदी है वो उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से बोली जाती है और बिहार में अलग टाइप से बोली जाती है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, तो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। हाउएवर इंग्लिश इज एन ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज, और इंग्लिश उसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है। इंडियन लैंग्वेज आर रिटन इन टू डिफरेंट वेज, जो भारत की जो भाषा है वो दो तरीके से लिखी जाती है। मोस्ट ऑफ देम आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो ज्यादातर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, मतलब इस तरीके से लिखी जाती है। बट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो सिंधी, कश्मीरी और उर्दू है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ईच लैंग्वेज हैज अ सेट लेटर इन विच इट इज रिटन, और हर एक लैंग्वेज का अपना एक अक्षर है, बनावट है उसको लिखने की। इट इज नोन एज स्क्रिप्ट, और उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, पंजाबी इज रिटन एज गुरुमुखी स्क्रिप्ट, और जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सारी इतनी सारी लैंग्वेज है, जो 22 लैंग्वेज है हमारे भारत की, वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्रेसेस। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, जो भारत है वहां पे अलग अलग जो जगहें हैं, स्टेट हैं, वहां पे हर जगह पे अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, सबका पहनावा अलग है, डिफरेंट है। साड़ी ब्लाउज इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ द वुमेन, और साड़ी ब्लाउज हमारे भारत का सबसे पॉपुलर ड्रेस है। हाउएवर द स्टाइल ऑफ वेयरिंग साड़ी डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और पर साड़ी तो सबसे कॉमन है, पर उनका जो स्टाइल है, पहनने का जो तरीका है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, मतलब अलग हो जाता है। सलवार कमीज इज अनदर पॉपुलर ड्रेस अमंग द वुमेन ऑफ इंडिया, और उसके बाद सलवार कमीज पॉपुलर ड्रेस है जो कि पूरे भारत में पहना जाता है। वुमेन इन असम वियर मेखला चादोर और टू पीसेस साड़ी, और जो असम है वहां पे मेखला चादोर पहना जाता है, या फिर टू पीसेस की एक साड़ी होती है उसको पहना जाता है। मेखला इज रैप लाइक अ लुंगी एंड चोदर इज रैप सेपरेटली, जो मेखला होता है उसको नीचे की तरफ पहना जाता है और उसके ऊपर अलग से एक चादोर ली जाती है, जो कि एक साड़ी का पल्ला जैसा होता है, उसकी तरह से उसको रैप किया जाता है। सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी, जिससे अपर बॉडी को कवर किया जाता है उसके जरिए। वुमेन इन राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा वियर शॉर्ट ब्लाउज कॉल्ड चोली, और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में जो औरतें हैं वो शॉर्ट ब्लाउज पहनती है, जिसको चोली कहा जाता है। एंड प्लेटेड स्कर्ट नोन एज घाघरा एंड लहंगा, और नीचे प्लेटेड स्कर्ट पहनते हैं, जिसको घाघरा या फिर लहंगा कहा जाता है।
दे कवर देयर हेड्स विथ ओढ़नी, और अपने सर को वो दुपट्टे से ढकती है जिसको ओढ़नी कहा जाता है. गर्ल वेयर लॉन्ग स्कर्ट कॉल पहवाड़ा इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में लॉन्ग स्कर्ट पहनती है गर्ल जिसको पावड़ा कहा जाता है. यहाँ पे कुछ ड्रेसेस दिए गए हैं कि मणिपुर में कैसे पहनते हैं कपड़े, गुजरात में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, बंगाल में और केरला में किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं. आप इनके पहनावे से इनको देख के पहचान सकते हो कि कौन से स्टेट के लोग हैं. द मैन इन इंडिया वियर शर्ट एंड ट्राउजर्स, और भारत में ज्यादातर जो आदमी है वो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, पैंट शर्ट जिसको बोलते हैं. हाउएवर मेन मोस्टली इन विलेज स्टिल वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स लाइक कुर्ता, लुंगी, धोती एंड पैजामा, और आज भी गांव में कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं जो आदमी होते हैं वो कुर्ता, लुंगी, धोती या फिर पैजामा पहन के रखते हैं. धोती इज अ पीस ऑफ क्लोथ, धोती एक तरीके का कपड़ा है, खुला कपड़ा जिसको बोलते हैं, विच इज टाई एट द वेस्ट, और उसको कमर पे बांधा जाता है. कुर्ता इज अ टाइप ऑफ ट्यूनिक, और कुर्ता एक तरीके की शर्ट है जो कि ऊपर पहनी जाती है. इन साउथ इंडिया मेन मोस्टली वियर शर्ट एंड लुंगी, और साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग नीचे लुंगी और ऊपर शर्ट पहनते हैं. लुंगी इज अ पार्ट ऑफ धोती, और लुंगी एक तरीके का धोती का ही एक पार्ट है. इट इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इसको वेस्टी बोला जाता है, और केरला में इसको मुंडू बोला जाता है. हेड गियर आर वोन इन डिफरेंट स्टाइल बाय मेन आर एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और सर पे अलग अलग टाइप से लोग पहनते हैं और अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है. द पीपल ऑफ कश्मीर वियर लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड फिरेन, और जो कश्मीर के लोग हैं वो एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं जिसको फिरेन बोला जाता है, उसको औरत और आदमी दोनों पहन सकते हैं. द ट्राइबल ऑफ द नागालैंड वियर शॉल्स, और जो नागालैंड के जो ट्राइबल्स और जो नागालैंड के ट्राइबल्स होते हैं वो शॉल पहनते हैं. ईच ट्राइब्स हैज इट्स ओन स्पेशल डिजाइन, और हर ट्राइब्स की अपनी एक अलग पहचान होती है, उनका अलग डिजाइन होता है शॉल का जिससे उनको पहचाना जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम डांस एंड म्यूजिक पर. डांस एंड म्यूजिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज, और डांस और म्यूजिक भी हमारे भारत का एक अलग ही पहचान है, धरोहर है हमारी, जो कि उससे भी हमारे भारत को पहचाना जाता है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांसेस इन इंडिया, भारत में दो प्रकार के डांस हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस. फोक डांस आर परफॉर्म ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग, फेस्टिवल एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग. जो फोक डांस होते हैं वो ज्यादातर शादी ब्याहों में, फेस्टिवल्स में, त्योहारों में या फिर फसल कटाई में जब खुशी मनाते हैं लोग उसमें किया जाता है. क्लासिकल डांस आर परफॉर्म बाय ट्रेन डांसर, और जो क्लासिकल डांस है उसको ट्रेन डांसर ही परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे सीखा होता है. दीज डांसेस बिगिन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, और वो अपने डांस के जरिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके जो डांस होता है उसमें एक भक्ति का रूप होता है. क्लासिकल डांस आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बीट्स एंड रिदम्स, और जो क्लासिकल डांस होता है वो एक प्रकार की कोई बीट्स पे या फिर रिदम पे बेस्ड होता है. द डांसर्स वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम्स लाइक मास्क एंड हेड ड्रेसेस, और इसमें जो क्लासिकल डांस होता है उसमें अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और अपने सर को भी अच्छे से सजाते हैं. लुक एट द लिस्ट ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, यहाँ पे भारत की कुछ क्लासिकल डांसेस की लिस्ट दी गई है, फोक डांस और क्लासिकल डांस की. तो यहाँ पे फोक डांस है जो कि पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, असम में बीहू, राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा, गुजरात में डांडिया रास भी होता है, पंजाब में गिद्दा जो फीमेल का डांस है, महाराष्ट्र में लेजिम, जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिमाचल प्रदेश में नाती और उत्तर प्रदेश में कजारी, ये सारे फोक डांस के नेम्स हैं. और यहाँ पे है क्लासिकल डांस, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, केरला का कथकली, नॉर्थ इंडिया का कथक, तेलंगाना का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, केरला का उत्तम थुल्लल, उड़ीसा का उड़ीसी, झारखंड का चाऊ, आसाम का सत्रिया और तमिलनाडु का ओलीलात्यम. तो ये सारे डांस हैं क्लासिकल एंड फोक डांस. क्लासिकल म्यूजिक हैज अ लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन इन इंडिया. बाइजू बावरा, हरिदास एंड तानसेन वर वेल नोन इंडियन म्यूजिशियन ऑफ द पास्ट. कहते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारे भारत का बहुत पुराना ट्रेडिशन है जिसमें आज भी उनके नाम याद किए जाते हैं, बैजू बावरा का, हरिदास का और फिर तानसेन का, जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियंस थे. क्लासिकल म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू टू स्कूल, और जो क्लासिकल म्यूजिक है वो दो भागों में बांटा गया है, उनके दो स्कूल्स हैं जिसमें उसको बांटा गया है. एक है द हिंदुस्तानी ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड द कार्नेटिक ऑफ द साउथ इंडिया. एक नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक है, एक है साउथ इंडिया का. बोथ दीज स्कूल्स म्यूजिक आर बेस्ड ऑन राग्स, और दोनों स्कूल्स जो है एक
राग पे बेस्ड है. म्यूजिक इज प्लेस्ड ऑन द लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक स्कॉट, वीणा, सितार, सारंगी, शहनाई एंड फ्लूट. और ये सारे म्यूजिक इसमें प्ले किए जाते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाते हैं, बजाए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पेंटिंग. द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैज डीप रूट इन इंडिया. और हमारे भारत में जो बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है पेंटिंग्स का, जो कि एक तरीके की जड़ है, जिसमें अपनी पूरी कहानी वो पेंटिंग के जरिए ही बता दिया करते थे. आज भी आप पुराने किलों में या कहीं पे जाओगे तो आप देखोगे म्यूजियम्स वगैरह में कि पुरानी पुरानी पेंटिंग्स आज भी मौजूद है, जिनके जरिए आप उनके पहले के जमाने का पहनावा, रहन सहन के तरीके, वो सब देख सकते हैं. द वॉल पेंटिंग ऑफ द अजंता एंड अलोरा आर द वर्थ वॉचिंग. और ये सारी जो पेंटिंग्स है अजंता अलोरा में भी आप देख सकते हैं, वहां की गुफाओं में भी जाके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर तक फेमस भी है. दे डेपिसिट द सीन्स ऑफ द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा. और वहां पे लॉर्ड बुद्धा की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है पेंटिंग के जरिए. दिस पेंटिंग अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड. और ये पेंटिंग 1500 साल पुरानी है. वर ड्रॉन बाय द बुद्धिस्ट प्रिस्ट. और उनको किसी बुद्धिस्ट प्रिस्ट ने, जो बुद्धिस्ट प्रिस्ट थे, उन्होंने बनाई है. द आर्ट ऑफ मैनिएचर्स पेंटिंग वॉज मेड पॉपुलर बाय द मुगल एम्परर. और वहां पे कुछ मैनेचर पेंटिंग्स भी हैं जो कि मुगल एम्परर की फेमस पेंटिंग्स वगैरह हैं. मैनिएचर पेंटिंग्स आर वेरी स्मॉल इन साइज बट शो थिंग्स इन ग्रेट डिटेल. जो मैनिएचर्स पेंटिंग्स होती है वो बहुत बारीकी से बनाई जाती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई जाती है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताई जाती हैं, इसलिए उनको बहुत छोटा बनाया जाता है, बारीक बनाया जाता है मतलब. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर. इंडियन आर्किटेक्चर ऑल्सो हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है. द रून ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टेल द स्टोरी ऑफ आर रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इन द पास्ट. और हमारे भारत की जो पास्ट है उसके बारे में इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं. जब उनके आप आर्किटेक्चर को देखेंगे, किसी भी किले की या पुराने जो खजुराहो टेम्पल दिखाया गया है इसके अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि कितना सुंदर था, जो आज भी, आज तक भी जिंदा है, खड़े हैं वो आज भी. द स्टूपाज एट सांची एंड सरनाथ बिल्ड बाय अशोका एंड हिज सक्सेसर आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इन द पास्ट. और आज भी जो ये सारी चीजें हैं जो अशोका द्वारा बनाई गई थी, वो आज भी जिंदा है. उनके आर्किटेक्चर को देख के आप देख सकते हैं कि वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं आज तक जो खड़े हैं. द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, द टेम्पल्स ऑफ कांजीपुरम, मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, खुजराव टेम्पल इन मध्य प्रदेश एंड सन टेम्पल इन कोनार्क उड़ीसा आर विजिटेड बाय द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सारे जो स्टेट्स में जो टेम्पल है, इनका जो आर्किटेक्चर है, आप देखने लायक है. यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से इनके जो आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों को काट के इन टेम्पल्स को बनाया गया है. द मुगल एम्परर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन कंस्ट्रक्टिंग मॉस्क्यूज, फोर्ट एंड पैलेसेस. जो मुगल के एम्परर्स थे पहले के, वो फोर्ट में जो मस्जिद बनाते थे या फोर्ट बनाते थे, किले, अपने महल जो बनाते थे, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते थे. मुगल आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन जामा मस्जिद. और इसका जो आर्किटेक्चर आप देखना चाहते हैं तो जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लाल किला है जो, या हुमायूं टॉम जो दिल्ली में है, ताजमहल इन आगरा इज द ग्रैंड स्ट्रक्चर विद ब्यूटिफुल डोम्स एंड मिनारेट. और वहां पे आप देख सकते हैं, वहां बड़ी बड़ी गुम्बद इतनी सुंदर बनाई गई हैं, जो आज भी प्रसिद्ध हैं, जहां पे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं. बिल्डिंग ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर इंक्लूड विक्टोरिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई. और जो बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग्स थी, उनका भी आर्किटेक्चर जो है देखने लायक है, जो कि आज भी मौजूद है. आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है मुंबई में, विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में, और राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस जो कि दिल्ली में है, उसको भी आप देख सकते हैं वो कितना सुंदर बनाया हुआ है. द सिटी ऑफ चंडीगढ़ वॉज डिजाइन बाय ली कॉर्बूशर. और जो चंडीगढ़ की जो सिटी थी पूरी जो बसाई गई है, वो भी किसी ब्रिटिश एम्परर जो था उसने ही बसाई थी. द चर्च ऑफ गोवा आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ पोर्तुगीज आर्किटेक्चर. और जो चर्च है गोवा में, वो भी पोर्तुगीज जो थे उनके आर्किटेक्चर के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कि आप देखने लायक हैं, इतने सुंदर और बहुत अच्छे से बनाए गए हैं. बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस इज लोकेटेड इन गोवा. सम अदर ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड द लोटस शेप बिहाई टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली एंड द विधान सौधा इन बेंगलुरु. और ये सारे आज भी आप देखेंगे, जो आजकल भी अब कुछ आर्किटेक्चर इतने सुंदर बनाए गए हैं, जिनको अक्षरधाम जो कि अब ही बनाया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर उसकी जो नक्काशी
जो बनाया बनावट है उसकी देखने लायक है, जिसको भी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई की, जो कि यहाँ पे बनावट इसकी आर्किटेक्चर आराम से आप अच्छे से यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। और ये है बेसिलिका ऑफ बॉब जीसस गोवा, इसका भी आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फेस्टिवल्स पे। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत एक तरीके का फेस्टिवल का देश बोला जाता है, त्योहारों की धरती बोली जाती है। वी सेलिब्रेट थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, यहाँ पे तीन प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। रिलीजियस फेस्टिवल इंक्लूड दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूर्व, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, बुद्ध जयंती एंड महावीर जयंती। हार्वेस्ट फेस्टिवल इंक्लूड्स होली इन नॉर्थ इंडिया, ओणम इन केरला, पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन असम एंड बैसाखी इन पंजाब। ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे भारत में मनाए जाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आर रिच हेरिटेज, वी शुड डू आर बेस्ट टू प्रिजर्व आर हेरिटेज, कहते हैं अभी हमें अपने जो हेरिटेज है, हमारे जो धरोहर है भारत की, उस पर हमें गर्व है और हमें उसको बचा के रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो हमने इस अपने चैप्टर में, इसमें हेरिटेज में हमने पढ़ा अपने भारत की संस्कृति के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, तो हमें उसे बनाए रखना है। तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। रिदम, रेगुलर बीट्स ऑफ साउंड और मूवमेंट, आर्किटेक्चर, साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, सत्रिया असम, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी तेलंगाना। राइट द नेम्स ऑफ द सिटी वेयर फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ताजमहल आगरा, अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा। नेक्स्ट इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज द पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, साड़ी ब्लाउज इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर टू स्कूल्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक आर द टू स्कूल्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। फोक डांस आर परफॉर्म ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग, फेस्टिवल एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग। क्लासिकल डांस आर परफॉर्म बाय ट्रेन डांसर, दीज डांसेस बिगिन एज फॉर्म ऑफ वर्शिप। क्लासिकल डांस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट बीट्स एंड रिदम, द डांसर्स वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम लाइक मास्क एंड हेड ड्रेस। क्वेश्चन नंबर फोर, नेम थ्री एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया, विक्टोरिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स इन मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द नेम्स ऑफ थ्री नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो क्वेश्चन आंसर हमारे डिस्कस हो गए हैं। लेसन 17, हेरिटेज, आर कल्चर एंड ट्रेडिशन, हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने अपने भारत के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।